नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 6 वचन। वचन किसे कहते हैं? नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। ये चित्र दे रखा है, इसमें आप देखेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारे पेड़ भी हैं, तितलियाँ भी हैं, है ना, लड़की भी हैं, लड़के भी हैं। तो आप इस दृश्य में देख रहे हैं, यह एक पार्क का दृश्य है। इसमें कुछ वस्तुएं या प्राणी संख्या में एक हैं और कुछ अनेक हैं। जैसे एक संख्या में क्या क्या है, आप देखिए, इसके पास जो साइकिल है वो एक है, यहाँ पे जो लड़की है वो भी एक है, है ना, माली भी एक है और बॉल भी एक है। तो देखेंगे आप, एक बॉल है, एक साइकिल है, एक लड़की है और एक माली है। अनेक में आप देखेंगे बहुत सारे फूल हैं, यहाँ पर पेड़ भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, तितलियाँ भी बहुत सारी हैं और लड़के भी बहुत सारे हैं। तो अनेक में क्या है, लड़के, पौधे, पेड़, फूल, तितलियाँ। एक या अनेक संख्या बताने वाले ये शब्द वचन हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी इसकी परिभाषा क्या है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो वचन से हम क्या देखते हैं, संख्या हम देखते हैं, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, है ना, कोई भी चीज़ हो, हम उसकी संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। वचन के प्रकार, वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक होने का ज्ञान हो, अब आप देखेंगे एक, जैसे लड़का एक है, कुर्सी भी यहाँ पर एक है, घोड़ा भी एक है और पत्ता भी एक है। तो इसमें हम देख रहे हैं सब चीज़ें एक एक हैं। तो जिस शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है या ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे लड़के हैं, यानी तीन हैं, एक से अधिक हैं, तो लड़के, कुर्सियाँ भी, कुर्सी भी एक से दो हैं तो कुर्सियाँ, घोड़े भी दो हैं तो घोड़े, पत्ते भी, पत्तियाँ भी बहुत सारी हैं तो पत्ते। वचन का प्रयोग, संज्ञा शब्द का वचन बदलने पर उसका रूप बदल जाता है। जैसे संज्ञा शब्द का वचन बदलने पर, संज्ञा क्या है, घोड़ा, घोड़ा क्या है, एक वचन, तो इसका रूप कैसे बदल जाता है, घोड़े। जब बहुत सारे हो जाते हैं, जब एक से अधिक हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, घोड़े। इसी प्रकार से संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम का भी वचन बदलने से क्रिया के रूप में भी बदलाव आता है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है तो ये क्या है, क्रिया, रहा है। अभी घोड़ा एक है तो क्रिया भी एक वचन में है, यहाँ पर घोड़े दौड़ रहे हैं तो यहाँ पर घोड़े हैं तो जो क्रिया है वो भी क्या है, हमारी बहुवचन में, रहे हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने से क्रिया के रूप में भी बदलाव आता है। तो ये तो हो गया वचन का प्रयोग। अब हम पढ़ेंगे कुछ संज्ञा शब्दों का वचन बदलने पर रूप नहीं बदलता। जैसे कबूतर उड़ रहा है, एक वचन है, कबूतर उड़ रहे हैं, क्योंकि कबूतर क्या है, एक वचन है, मगर इसकी क्रिया में परिवर्तन आएगा, क्योंकि कबूतर का जो लिंग परिवर्तन होता है वो कबूतर ही होता है। हम इसमें नर कबूतर या मादा कबूतर कहते हैं, मगर जब हम वचन बदलते हैं तो उसकी क्रिया में बदलाव आता है। जैसे कबूतर उड़ रहा है, कबूतर उड़ रहे हैं, ऐसे वाक्यों में क्रिया शब्दों से ही वचन की पहचान होती है। तो जब हमें इनसे पता ना चले, संज्ञा शब्दों से वचन बदलने का रूप नहीं बदलता, तब हम क्या देखते हैं, क्रिया देखते हैं। क्रिया से, शब्दों से ही वचन की पहचान की जाती है। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन शब्दों का बहुवचन के समान प्रयोग किया जाता है कि
एक वचन तो हैं मगर हम आदर प्रकट करने के लिए उसकी क्रिया बहुवचन में रखते हैं, जैसे मामा जी बाजार जा रहे हैं। मामा जी तो एक ही है मगर हम क्या बोल रहे हैं, मामा जी बाजार जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं बोलते मामा जी बाजार जा रहा है, क्योंकि हम उनको आदर दे रहे हैं। इसी प्रकार से नेताजी झंडा फहरा रहे हैं, तो इन वाक्यों में मामा जी तथा नेताजी संख्या में एक एक हैं, परंतु यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप, जैसे बेटा, बेटा का क्या हो जाएगा, बेटे, आँख, आँखें, मुर्गा, मुर्गे, केला, केले, भेड़िया, भेड़िए, पंखा, पंखे, बच्चा, बच्चे, कन्या, कन्याएं, माला, मालाएं, माता, माताएं, रोटी, रोटियां, साड़ी, साड़ियां, बकरी, बकरियां, स्त्री, स्त्रियां, नदी, नदियां, खिड़की, खिड़कियां, सखी, सखियां, कैंची, कैंचियां, वधु, वधुएं, वस्तु, वस्तुएं। तो ये हमने पढ़ा है आज वचन। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, आपको ये समझ में आया होगा, इसको अच्छे से और पढ़िए और इसमें एकवचन के बहुवचन बनाने का आपको अभ्यास करना है।